अच्छा क्या बात है, क्या बात है। जो जानते उन्हें सर्व था वे यूं निराश थे, न पीठ पाई अरे वृंद ने कभी, न वक्ष देखा पर नार ने कभी। नहीं समझ पाए होंगे। उन्होंने कहा वो बहुत दयालु भी है और दानवीर है, बहुत दान देता है, लेकिन उसने अपनी पीठ का दान किसी शत्रु को नहीं दिया। समझ आई बात? अपनी पीठ किसी दुश्मन को नहीं दिखाई, पीठ का दान उसने आज तक कभी नहीं दिया, और न वक्ष देखा पर नार ने कभी, किसी स्त्री ने उसका वक्ष नहीं देखा। और तो सब कुछ है पर ये दो चीज उसने कभी दान में नहीं दे, और वो सब कुछ देता है, बांटता, वीर है, बहादुर है। राजा सुनकर गदगद हो गए, बोले जिसके पास चरित्र है तो, और जिसके पास वीरता है, फिर क्या बात रह गई। महाराज ने महलों में आकर माँ से कहा, माँ सब कुछ ठीक है, अब आप कहो तो ये रिश्ता कर देते। हाँ, त्रिशला तो सहमत है, त्रिशला तो कह रही है, बहन से भी पूछा और यूं तैयारियां हो गई बंधुओं त्रिशला के विवाह की। बुलाया गया सिंहभद्र को और बुलाया गया बंधुओं राजपुरोहित को, मंत्री को, गणमान्य व्यक्तियों को। थाल सजाया गया, नारियल, तिलक, चावल, रोली, कलावा सब लिए गए, और लेकर के वे सब लोग पहुंच गए कुंडलपुर, और वहां जाकर के राजसभा में पहुंचकर खड़े हो गए। महाराज सिद्धार्थ ने स्वागत किया सबको, अरे सिंहभद्र आओ भाई। नहीं, क्यों, क्या बात है, नाराज किए कुछ? राजपुरोहित बोले हम किसी उद्देश्य से आए हैं। मंत्री जी आओ भाई, कैसे खड़े रह गए? नहीं, हम किसी उद्देश्य से आए हैं। क्या बात है बोलो। महाराज चेटक की ओर से हम आए हैं, और महाराज चेटक अपने बहन त्रिशला का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को स्वीकार करो। चुप हो गए सिद्धार्थ। बोले मैं अपने कुल के पूज्यों से परामर्श किए बिना हाँ नहीं कर सकता, आप लोग ठहरो या दोबारा आना, जो तुम्हारी इच्छा हो। नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। और फिर महाराज सिद्धार्थ ने अपने पूज्यों से परामर्श किया, पूछा इस बात से तो हर्षित हो गए। बोले चेटक और उसके बहन के साथ रिश्ता होता है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत खुशी की बात है। स्वीकृति मिली और दूसरे दिन पूरा राज परिवार एकत्र था। राजसभा में सब लोग उपस्थित थे, राज्य पदाधिकारी, जनता के सब के सब गणमान्य आदरणीय व्यक्ति, वो सब उपस्थित थे। और यूं राज्य सभा के मध्य में बंधुओं राज पुरोहित के द्वारा महाराज सिद्धार्थ का तिलक कर दिया गया, कलावा बांध दिया गया, जो रीति रिवाज है वो पूरे किए गए, नारियल भेंट कर दिया गया, और यूं जिसको सगपन सगाई कहते हैं वो कर दी गई। अब तो जनता में पता चला, सब लोगों को बड़ी खुशी हुई। बोले इस दिन की तो हम इंतजार थी, बड़ी प्रतीक्षा थी, हम सोचा करते थे सिद्धार्थ का विवाह, हमारे महाराज का विवाह कब होगा, आज पता चला, यह है तो बहुत खुशियां मनाई गई। और बंधुओं कथा को आगे क्या कहूं, शुभ मुहूर्त देखा गया, और शुभ मुहूर्त के अंदर बड़ी शान और शोभा के साथ महाराज सिद्धार्थ की बारात वैशाली की ओर प्रस्थित हुई, और शुभ मुहूर्त में वहां जाकर उस ओर से भी बड़ा हर्ष, आनंद, तुमुल नाद, वो सब कुछ हुआ बड़े हर्ष के साथ में। और बंधुओं यूं विवाह होता है, फेरों का कार्यक्रम होता है, और फिर एक दिन राजा सिद्धार्थ त्रिशला को लेकर रथ में बैठकर अपने राज्य को लौट। सिद्धार्थ और त्रिशला का विवाह हो गया, दोनों राज्यों के अंदर बहुत खुशी मनाई गई, हर्ष मनाया गया, बहुत कुछ बांटा गया, दिया गया, सब कुछ हुआ बहुत आनंद के साथ में। अब उनके दिन व्यतीत होते हैं, पर इसके साथ एक बात थी, सिद्धार्थ धार्मिक थे,
वे पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी थे और त्रिशला त्रिशला धार्मिक थी, वे भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, क्योंकि ये राज परिवार भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के अनुयायी थे और कहूं जैन थे। विवाह हो गया, आनंद के साथ दिन व्यतीत होने लगे, समय बीतता रहा। जैसा संसार रीति रिवाज और बातें हैं, एक दिन जो लोक भाषा है उसे तो मैं क्या कहूं, कोई जिसे लोग कहते अपनी भाषा में खुशी का समाचार, उस तरह की बातें लोग प्रतीक्षाओं में थे, राज परिवार भी प्रतीक्षाओं में था। एक दिन महारानी त्रिशला ने 14 स्वप्नों का दर्शन किया। वो सो रही थी और उन्हें दिव्य स्वप्नों का दर्शन होता है, और वो दिव्य स्वप्न आप सभी जानते हैं। उन सपनों की एक बार नाम लेकर बात करें, वो जो स्वप्न थे उनमें पहला स्वप्न एरावथा थी, वृषभ सिंह लक्ष्मी माला युगल चंद्र सूर्य ध्वज कलश पद्म सरोवर समुद्र विमान रत्न राशि निर्धूम अग्नि, ये 14 स्वप्न उन्होंने एक साथ एक एक करके देखे। उनकी आंखें खुली, वो स्तब्ध रह गई, ये क्या हुआ, सपनों को भूलने जाऊं, उन्हें दोबारा से दोहराया, कहीं भूल जाऊं मैं इन्हें। वो स्वयं विदुषी थी, वो समझती थी अरे इतने अच्छे शुभ और सपने हैं, और बंध हुआ। यूं सुबह हुई तो त्रिशला ने महाराज के पास जाकर निवेदन किया, रात में मैंने ये 14 स्वप्न देखे। त्रिशला बड़े शुभ है ये तो, बहुत ही मंगल है, क्या फल होगा। देखो मैं अपनी ओर से फल नहीं कहना चाहता, विद्वानों से पूछेंगे, विद्वानों से पता करेंगे। विद्वजनों को बुलाया गया, विद्वान आए, उनका सत्कार सम्मान किया गया और उनके सामने फिर सपनों की बात रखी। एक और त्रिशला बैठी हुई थी और सिद्धार्थ बैठे थे, विद्वजन बैठे थे, उन्होंने सुना और उन ज्योतिषियों और विद्वानों ने उनका फल कहा। बोले महाराज ये जो 14 स्वप्न है ये संसार के सर्वश्रेष्ठ वस्तु में तो है ही, ये संसार के सर्वश्रेष्ठता को सूचित करती है। क्या मतलब इस बात का तुम्हारा, उन विद्वानों ने कहा इरावथा थी कोई ऐसी आत्मा आपके यहां पर आएगी। इरावत के ऊपर बैठने वाले महाराज इंद्र भी उनके आगे न तो हूं, दूसरे इरावथा थी हाथ है, साक्षात गणपति आपके घर में आ गए, इसका तो ये अर्थ है मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद रहे, इसका तो ये अर्थ है। वृषभ अरे धर्म तुम्हारे महलों में तुम्हारे घर में आ गया है, सिंह पूरे विश्व का पराक्रम तुम्हारे यहाँ पर आ रहा है, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में अवतरित हो रही है, माला युगल सम्मान ही सम्मान होगा आपका और उस आने वाले जीव का उस आत्मा को, और चंद्रमा की तरह जो शीतल और निर्मल होगा जिसका जीवन, सूर्य की तरह जिसका ज्ञान होगा, ध्वजा उसका यश तीन लोक में फहराएगा, और सुनो कलश अमृत कलश वो दुनिया को अमृत बांटेगा, और सुनो पद्म सरोवर पद्म कमल का फूल वैराग्य का सूचक होता है। अब ये बात भी बताती है कि वो वैराग्य से परिपूर्ण होगा, समुद्र की तरह से पारावार रहित, जिसका किनारा भी दिखाई न दे और जिसको मापा न जा सके, ऐसा होगा उसका व्यक्तित्व। और सुनो विमान ऊपर से देवलोकों से जिसकी अर्चना के लिए देवताएं, और रत्न राशि गुणों का ढेर जहां पर हो, यानी सारे गुण जिसके भीतर में एकत्र हो जाए, ऐसा निर्धूम अग्नि धुएं का भी काम नहीं, ऐसी निर्मल ज्योति, वह निर्मल ज्योति आत्मा होती है जो धूम से रहित है, ऐसी होगी वह आत्मा। उस आत्मा को नमन करते हैं तो कब, ये तो प्रतीक्षा करो, लेकिन ये सब स्वप्न इस बात को सूचित करते हैं। यथेच दान दिया गया,
उनकी झोलियां भरती गई, वो पंडित विद्वान जयकार करते हुए चले गए। महाराज सिद्धार्थ, रानी त्रिशला अपने महलों में भीतर चले गए। खुशी की एक सूचना संसार की भाषा में प्राप्त हो चुकी थी। बहुत ही अच्छे से प्रसन्न मन से त्रिशला रहती हैं। राजा के मन के अंदर परम आनंद है। अब तो उस भविष्य की प्रतीक्षा है, कैसे क्या क्या होगा भविष्य। इस तरह से समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, और यूं और समय व्यतीत हुआ। बंधुओं, आप समझ ही चुके होंगे कि यह वह आत्मा है जो प्राण देवलोक के अंदर वास कर रही थी, वहां से अपना आयुष पूर्ण करके अब उसने यहाँ करके जन्म लिया है। बीच में वो प्रसंग भी है देवानंदा का, वो भगवती सूत्र का प्रसंग है, कथा की बात कर रहा हूँ। वह आत्मा अवतरित हो चुकी है, चारों ओर हर्ष आनंद उल्लास और प्रसन्नता का वातावरण है। ऐसा वातावरण महारानी त्रिशला कुछ स्वभाव परिवर्तन सा आ गया। राजा भी देखते हैं, वो बहुत दान देने लग गई, बहुत बांटने लग गई। जब शाम को दासियां महलों से जाती हैं, अरे ये लेते जाओ, झोली भर देती है। जो याचक कोई दिखता है उसको ये दे दो, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, धन दे दो। उनकी आवाज पहले ही बहुत मधुर थी, पर अब तो पता नहीं क्या हो गया। जब वो बोलती हैं, सुनने वाला सोचता कान लगा के सुनता ही रहूं। इतना मधुर बोलती, इतना प्यार से बोलती, इतना आदर से बोलती सबके लिए, और उनकी दिव्यता बढ़ गई। राजा सोचते हैं ये सब प्रभाव उस आने वाली आत्मा का है, उस जीव का है जो इतनी दिव्यता इनके अंदर आ गई, ऐसी अद्भुतता आ गई। सब देख देख कर बड़े प्रसन्न होते थे, आनंदित होते थे। और बंध वो यूं सवा दो मास कुछ और समय कथा में जैसा भी सोचे इतना व्यतीत हो गया। एक दिन राजा को लगा आज त्रिशला उदास है। क्या बात है, कोई मन के विपरीत बात होगी, किसी ने कुछ कह दिया, मुझसे कोई ऐसी बात हो गई, क्या बात हो गई त्रिशला महाराज, क्या बात है आज उदास लगते। नहीं कुछ बात नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं महाराज, मुझे कौन क्या कहता, आप हो, मुझे क्या, मुझसे कुछ कहा गया नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, वो चलो कल की बात तो भूल जाए, आज आज तो चेहरा भी ढल सा गया, क्या बात हुई त्रिशला, तो मन की बात क्यों नहीं बताती, क्या बात है। नहीं महाराज कुछ नहीं, फिर भी कहो तो नहीं। तीसरा दिन तो और भी ऐसा लगा, त्रिशला तो अब बोलने कम लग गई, अब तो बहुत ही कम बोलती हैं, चुप बैठी रहती हैं, क्या हो गया त्रिशला। महाराज ने पूछा तो मन की बात क्यों नहीं बताती। महाराज मन है ना, पता नहीं कितनी बात आती है मन के अंदर, इस मन की बातें जो हैं वो कभी पूरी हुई है आज तक, किसी की पूरी हुई है दुनिया के अंदर, कोई ये कह सकता कि मेरी मन की सारी बात पूरी हो गई। ये यूं ही है, जीव है, पता नहीं कितने विचार आते हैं, सारी बातें पूरी नहीं होती, हो जाएगा चुप अपने आप हो जाएगा। अब क्या करोगे, बात बात में पूछ के हर रोज पूछते हो, मैं ठीक हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं है, मेरे मन की कोई बात है, हो जाएगी अपने आप से ठीक। त्रिशला बताना नहीं चाहती कोई बात हुई है, क्या बात हुई है कुछ पता नहीं। और ये उदासी बंधुओं राजा तक सीमित नहीं रही, सुन करके महलों तक ही नहीं रही, महल में जितने लोग हैं सब इस बात को लेके बड़े चिंतित उदास हैं। महारानी खुश नहीं है, क्या बात हो गई। और ये बात महल की सीमाओं तक नहीं रही, नगर तक भी नहीं रही, त्रिशला आजकल उदास है। ये बात तो कितनी फैली और कहां तक गई। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा, उपयोग लगाकर होने वाले तीर्थंकर की माता कैसी हैं,
उदास है। क्या बात हुई, इनका उदास रहना तो जगत का उदास होना है, ये उदास क्यों है? उनके भीतर की मन की बात जानी उन्होंने, और जाना तो क्या जाना, ये जाना कृष्णा के मन में एक दोहद उत्पन्न हुआ है, मन के एक अभिलाषा नारियों की, और वह तब जब संतति से पूरी स्तर की बात मन में आ जाती है। कृष्णा के मन में एक बात आई है और वो बात पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो उदास है, और तो सब बातें ये नहीं पूरी हो सकती। आपके मन में भी जिज्ञासा आई होगी, वो राज माता उदास भला आप कैसे सहन करेंगे उनके उदासी को, आप भी सोचकर हैरान होंगे और जानना चाहेंगे क्या चीज, क्या चाहती हैं वो, क्या उनको चाहिए। महाराज इंद्र ने जाना इनके मन का दोहद है कि मैं इंद्राणी के कान के कुंडल छीन करके और मैं पहनू, छीन कर, अरे वो सबको बांटने वाली है, वो किसी की चीज क्यों चाहने लगी, पर ये तो उनके मन में आ गया। ऐसी बात, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका रहस्य यही है कि उनके भीतर में विश्व विजय का भाव है, विश्व को जीत लेने का, देव लोगों को भी जीत लेने का भाव है। कुंडल की बात नहीं, बात है छीन करके पहनना। इंद्र महाराज ने कहा ये तो बात पूरी करनी पड़ेगी, तीर्थंकर की मां की अभिलाषा है ये तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो पूरी करते हैं। उन्होंने कुछ समय के अंतर से इस बात को पूरा करने के लिए एक अपनी सहज भाषा में कहूं नाटक रचा, पर उनके लिए नाटक होगा, दुनिया के लिए नाटक नहीं था, वो तो एक बात थी। महाराज सिद्धार्थ अपने राज्यसभा में सिंहासन पर बैठे,